कंगना रनौत की धाकड़ बॉक्स ऑफिस पे एक मेजर डिजास्टर साबित हुई, बट अगर आप फिल्म के रिलीज से पहले इसके मेकर्स और एक्टर्स के एंथुजियाज्म को देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि उनको अंदाजा भी था कि उनकी फिल्म को इस तरीके का रिजेक्शन मिलेगा। वेलकम टू साउंड पास्ता, और आज मैं एनालाइज करूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ कंगना रनौत की एंटिसिपेटेड फिल्म धाकड़ के साथ। धाकड़ में कंगना रनौत ने एक किक-ऐस स्पाई कम असैसिन का रोल प्ले किया था, और ये हिंदी सिनेमा की शायद सबसे पहली एक्शन हीरोइन लेके आई थी। धाकड़ हैड द पोटेंशियल टू टर्न इनटू अ फ्रेंचाइज, बट जिस तरीके से ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है, मुझे नहीं लगता आप कोई भी फिल्म मेकर सोच सकता है फीमेल एक्शन हीरोइंस के साथ फिल्म बनाने को। तो इतनी एंटिसिपेशन और डिस्कशन के बाद भी धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप क्यों हुई? हेयर आर सम ऑफ द रीजंस। कंगना रनौत्स इमेज। कंगना ने सोशल मीडिया और पॉलिटिकल इश्यूज और बॉलीवुड पर कई तरीके के कमेंट्स करके जहां अपनी एक बोल्ड इमेज एस्टैब्लिश करी है, वहीं उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स और कम्युनिटीज को अपसेट भी किया है और बहुत सारे एनिमीज बना लिए हैं इस प्रोसेस में। सेइंग टू मच ऑन टू मेनी टॉपिक्स हैज अफेक्टेड हर इमेज एंड हैज बीन इम्प्लिकेटिंग ऑल हर मूवीज इन द रीसेंट ईयर्स। एवरेज स्टोरी एंड बोरिंग प्लॉट। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि धाकड़ इतनी खास फिल्म थी ही नहीं। हाँ, इसके एक्शन सीक्वेंसेस, सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर इंटरनेशनल लेवल के थे, मगर इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा ड्रैगिंग थी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड ना होने की वजह से भी ये एक फेलियर साबित हुई। एवरेज रिव्यूज। धाकड़ को क्रिटिक्स से कुछ खास रिव्यूज नहीं मिले, और पोस्ट पेंडेमिक एरा में ऑडियंस बहुत पिकी है थिएटर जाने में और ये डिसाइड करने के लिए कि वो कौन सी मूवीज थिएटर में जाके देखना चाहते हैं। सो दे रियली वॉन्ट समथिंग दैट स्टैंड्स आउट। और कंगना रनौत के कंटिन्यूड बॉक्स ऑफिस सेटबैक्स के बाद अब उनको इससे ऊपर उभरने के लिए एक ऐसी फिल्म की जरूरत थी जिसके क्रिटिकल रिव्यूज इतने शानदार हो कि वो ऑडियंस को देखने के लिए परसुएड करे। अनफॉर्चुनेटली धाकड़ वॉज नॉट दैट फिल्म एंड इट डिड नॉट गेट दोज काइंड ऑफ रिव्यूज। इंटरनेट कैंपेन्स। फिल्म की रिलीज से पहले ही धाकड़ के अगेंस्ट कुछ और फैन ग्रुप्स काफी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया कैंपेन्स रन कर रहे थे, और इसको बॉयकॉट करने के भी ट्रेंड ट्विटर पर वायरल हो रहे थे, और इन सारी चीजों की वजह से भी एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ जिसने इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस को इम्पैक्ट किया। बट ऑल इन ऑल इट वॉज जस्ट द जेनरिक रिजेक्शन ऑफ द फिल्म एंड अ सब्जेक्ट दैट डिड नॉट नेसेसरीली रेजोनेट विद द मासेस। धाकड़ जैसी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर देना किसी भी एक्टर के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसी फ्लॉप्स कुछ एक्टर ने पहले भी दी है, जैसे बॉम्बे वेलवेट, शानदार, जीरो एटसेट्रा, मगर जिस लेवल पे धाकड़ को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है वो अभी तक नहीं हुआ है। कंगना रनौत इज नो डाउट अ फाइन एक्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फीमेल स्टार्स वी हैव, तो अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो इन चीजों से अपनी अगली फिल्मों को कैसे उभारती है। दैट वॉज माई लिटिल एनालिसिस ऑफ कंगना रनौत धाकड़। We'll see you in our next video. Stay tuned for more.